जमीन है, मगर विधायक जी का वहाँ एक इंच खतियानी जमीन मंदिर के अंदर। जॉन टीवी में आपका स्वागत है। आज हम चिटाही धाम स्थित मंदिर के संबंध में एक पक्ष से बात करेंगे, सुरेश महतो और अशोक महतो जी से। सुरेश महतो जी, सबसे पहले ये बताइए कि मंदिर का जो विस्तार जमीन है वो किसके किसके नाम से है, और वहाँ पर मंदिर में आपने कितना जमीन दिया? देखिए, मंदिर में पहले से तो मंदिर पुराना मंदिर हम लोग को था, जितने भी अभी मंदिर हैं वो सब पुराने ढंग से, पुराने तरीके से था। मगर गांव में एक बैठक हुई जिसमें सभी लोगों का विचार बना कि इस मंदिर को तोड़कर भव्य बनाया जाए। उसमें से सभी लोगों का सहमति बना और विधायक जी का कहना था कि मंदिर में थोड़ा बहुत अगर किसी का जमीन जाता है तो दे दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। तो हम लोग भी सोचें कि चलिए, धर्म का बात है, हम लोग भी इसमें कहीं हिचकिचाए नहीं, देते ही हैं, जहाँ बोला दे दिए। अब रहा मंदिर में वहाँ किनका किनका जमीन है, तो मंदिर में जमीन है विश्वनाथ, मेरे दादाजी का नाम हुआ किशुन महतो, उनका भाई विश्वनाथ महतो, कन्हाय महतो, जहरू महतो, और बहुत सारे लोगों का जमीन है, ज्योति महतो, बहुत सारे लोगों का जमीन है। मगर विधायक जी का वहाँ एक इंच खतियानी जमीन मंदिर के अंदर चाहे बाहर, मंदिर परिसर आगे पीछे। जब ये मंदिर बन रही थी तो आपका संबंध विधायक जी से कैसा था? देखिए, मंदिर जब बन रहा था तो संबंध अच्छा था, सब चीज बातचीत होता था, हम अपना होमगार्ड में ड्यूटी करते थे, मंदिर में सहयोग भी करते थे, श्रमदान भी देते थे, संबंध अच्छा था। विवाद का कारण क्या बना? जमीन ही तो नहीं है, ये विवाद तो और भी कुछ रूप ले सकता है, ये बताइए। देखिए, विवाद का कारण जमीन है ही, कुछ हम जो है कभी कभी दूसरे दलों के लोग से भी उठन बैठन मेरा रहता था, जो विधायक जी को नहीं भाता था, तो विधायक जी हमको टारगेट करने लगे जमीन के लेके, हर तरह से हमको बहिष्कार भी किया गया, सामाजिक बहिष्कार जो पेपर में भी है, हम दिखाएंगे आपको। हम लोग 7 लोगों को सामाजिक बहिष्कार किया गया था क्योंकि हम लोग दूसरे दल में घुस गए थे। उसमें राजनीति क्यों हो रही, यही तो जानना वाला चीज है। हम लोग राजनीति क्या करेंगे, हम लोग रोजमर्रा वाला कमाने खाने वाला आदमी है। अभी जो मंदिर का जमीन आपने 14 डिसमिल दिया है, उसके अलावे कितना जमीन है मंदिर परिसर के आसपास? देखिए, हम लोग को खतियान में 45 डिसमिल जमीन, एक प्लॉट में 45 डिसमिल जमीन बेनी महतो मेरे परदादा के नाम पर है, और एक प्लॉट में 6 डिसमिल, और एक कुछ प्लॉट है जो मेरे भयात भूमि है, वो हमको उतना अच्छा से जानकारी नहीं है, और उनका भी कुछ था जो मंदिर के अंदर, उनका भी चल गया, 2 डिसमिल था। इस विवाद हुआ, इससे पहले भी कोई विवाद हुआ था? जी हाँ, विवाद तो बोले ना कि हम लोग किस कारण से जमीन की, जमीन जब एक पूरा मंदिर परिसर के बगल में जो आज दुकान वकान लग रहा है वो सब हम लोग का खेत था, हम लोग खेती करते थे, धान का खेती करते थे, मोटा मोटा आर समझ रहे ना, आर हुआ करता था, वो विधायक जी पूरा प्लोडर ग्राइंडर लगा के उसको लेवल कर दिया था, जिसका हम लोग विरोध किए थे कि भाई आप बराबर जो पूरा लेवल कर दे रहे हैं तो हम लोग कैसे जानेंगे कौन जमीन किसका है किसका नहीं है, इसके लिए हम लोग से विवाद हुआ था। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि ये जो बिहार आपका जग मंडप जो बना हुआ है तो डोमन महतो, आप सुने होंगे इस विषय में बहुत चर्चित हुए थे, डोमन महतो का नाम, डोमन महतो और कुछ जमीन मेरा भी पड़ रहा था जिसमें आपका जग मंडप बना हुआ है, तो हम लोग बोले भाई कि जग मंडप जो बना रहे हैं तो इसको कब हटाइएगा, बोला जग खत्म हो जाएगा, 3 साल कराना है, 3 साल के बाद हटा देंगे। देखिए, आज 3 साल पूरा हो गया, जग मंडप वहीं के वहीं है, दादा परदादा का टाइम का मंदिर है, मोटा मोटी 200 ईस्वी, 100 साल तो खूब होता होगा,
उतना तो हम लोग हमारा ज्ञान जब से तब से तो वहाँ मंदिर देखे हैं, यही किया उसको भव्य बनाया गया। पहले राम जी का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, कृष्ण राधे कृष्ण का था, बजरंगबली का था, सब मंदिर जितना है। वो भोजन कर रहे थे, उनको पता चला कि मार हो गया है, तो इन लोग बताया कि थाना वाला के सामने इन लोगों को मारा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में मेरा दोनों पैर दोनों हाथ मार के तोड़ दिया गया था। ये जो विवाद हुआ, इसमें SDO साहब का क्या मना कहना है? हम लोग SDO साहब के साथ मिलने गए थे, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि ठीक है, जांच होगा। तो जांच में आपको संतुष्टि है? संतुष्टि है, जब प्रशासन है संतुष्टि तो होगा, जा अगर उचित फैसला होगा तो बिल्कुल राजी है, मगर यहाँ नहीं होगी चीज, क्योंकि यहाँ होगा तो विधायक जी के सामने लोग नहीं बोल पाते हैं, उनके डर से खौफ से नहीं बोल पाते हैं। ये अनुमंडल पदाधिकारी के पास 5 आदमी उनकी तरफ से जाए, 5 आदमी मेरे तरफ से जाए, और ये हो वहाँ पर, यहाँ तो हुड़दंग करेगा लोग। झूठा पानी और पत्तल मैंने परिसर में चले जाते हैं, जिससे मंदिर साफ सुथरा नहीं रहता, गंदगी और बदबू भी वहाँ पर देख मैंने महसूस किया गया। तो क्या ये बात सही है? एक भी पत्तल मेरा दुकान का उड़ के आज तक नहीं गया है मंदिर परिसर में। हम लोग चर-चर गो अब तक ड्रम काट के, बड़ा बड़ा ड्रम रखे हैं, दोना जूठा जो भी है वहीं धुलाते हैं, और उसको लेके मंदिर परिसर से बहुत दूर ले जाके फेंकते हैं, बहुत दूर ले जाके। अब CCTV कैमरा बताएगा? षड्यंत्र का कहाँ बात हुआ सर, ये तो षड्यंत्र का बात नहीं है। वो सरयू राय जी एक बुद्धिमान विद्वान आदमी है, जब हम लोगों को पता चला, भाई हमरा बोले कि अरे सरयू राय आयल है तो बहुत पुराना नेता है, तो अपना समस्या जाके रखबे हुआ। ये सरयू राय को अपना दुखड़ा सुना रहे थे, वहाँ विजय झा भी थे, विधायक जी भी तो गए थे, क्या है सरयू राय से मिलना पाप है क्या? बहुत जगह गए हम लोग, जहाँ जहाँ हम लोग को लगा कि यहाँ से मदद मिलेगा, हर जगह अपना हम लोग फरियाद लेके गए हैं, बहुत जगह गए हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हर जगह जाएंगे, विधानसभा जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली जाएंगे। हमारा दुख दर्द को अगर नहीं यहाँ समझा जाएगा तो हम रांची विधानसभा जाएंगे, हम प्रधानमंत्री से मिलने का भी कोशिश करेंगे, हो सकता है तो हम जैसे हो, मगर हम न्याय के लिए हर जगह जा सकते हैं, किसी को भाए चाहे नहीं भाए, हमारा आज़ादी है, हम जाएंगे। भैया आप जाइए वहाँ पर, जाके देखिए कि जो दुकान है हम लोग का, वो दुकान को सटा के लगाया है टैंकर। अब बताइए, दुकान में सटा रहेगा टैंकर तो कौन ग्राहक मेरा दुकान जाएगा? और टैंकर खराब नहीं है, 11 तारीख से वहाँ रात से टैंकर खड़ा है, अब तक खड़ा है, चाहे पूरा दुनिया में कोई मिस्त्री नहीं है, नहीं बन सकता है। कि रामराज मंदिर में राजनीति का पुनर्विराम नहीं लग रहा है। हमने एक पक्ष के सुरेश महतो जी से बात किया, उनके परिजनों से बात किया, और इन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र दुकान में ही दुकान है, और वही रोजगार का एक साधन है, जिसके एवज पे पूरा परिवार का भरण पोषण चलता है। तो यदि न्यायालय से छोड़कर यदि कहीं दूसरा रास्ता होता है तो हम उनके लिए तैयार हैं। धन्यवाद।